ओके, तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पेरेंट टू चाइल्ड एंड चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी कैसे करेंगे। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सपोज करो हमको एक होटल के कितने चाइल्ड रिकॉर्ड्स है, मतलब कितने रूम है, कितने स्टाफ है, ये अगर शो करना है तो कैसे करेंगे? बराबर, हमको मैन्युअली जा जाके चेक करना पड़ेगा कि ये एक होटल ओपन करेंगे, फिर उसके चाइल्ड दिखेंगे। लाइक ये कुछ ऐसे करना पड़ेगा हमको, होटल में जाएंगे, ठीक है, कोई भी एक होटल ओपन कर लेंगे, अगर उसके चाइल्ड रिकॉर्ड प्रेजेंट होंगे तो दिखेंगे, अदरवाइज नहीं दिखेंगे। तो देखो अभी इसके ना रूम्स के रिकॉर्ड है, ना होटल स्टाफ के है, ना इंक्वायरी पोर्टल के, किसी के भी नहीं है, तो नहीं दिखेंगे। बट अगर इनकेस है, अगर इनकेस है, जैसे यहां से मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ फट से किसके किसके है, किसी भी रूम में जाके देख लेता हूँ कौन से पेरेंट के साथ एसोसिएटेड तो नहीं है। ठीक है, ये अब देखो, ये 0935 वाला जो होटल है, डेव होटल, राइट, इस होटल के चाइल्ड रिकॉर्ड है कौन सा है? रूम का रिकॉर्ड है, करेक्ट। अब ऐसे हजारों रिकॉर्ड रहेंगे तो मैं हजारों बार क्लिक करूंगा कि रिकॉर्ड के ऊपर? नहीं। तो मुझे क्या करना है, क्वेरी के थ्रू डेटा लाना है सारा का सारा, क्योंकि एट ए टाइम हजारों इस पे मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि एक पेरेंट के जितने भी चाइल्ड हो है ना, उसमें किसी वैल्यू को अपडेट कर देना है। तो मैन्युअली जाके करेंगे क्या? नहीं। हमको डेवलपमेंट में क्या है, ये फीचर हमारे पास अवेलेबल है कि हम एट ए टाइम सबको अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, राइट, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अपडेट, इंसर्ट, डिलीट करने के पहले वो रिकॉर्ड हमको वहां पे लाना भी पड़ेगा। तो रिकॉर्ड लाने का काम कौन करता है? क्वेरी, राइट। तो अब क्वेरी कैसे करेंगे? देखो, जैसे हमारा कल मैंने क्वेरी का आपको एक फॉर्मेट बताया था, क्या होता है, सिलेक्ट फील्ड एपीआई नेम 1, फील्ड एपीआई नेम 2, फील्ड एपीआई नेम 3, डॉट 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 डॉट, जितने भी फील्ड्स रहेंगी वो, करेक्ट। उसके बाद फ्रॉम ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, करेक्ट। ये होता है आपका एक्चुअल फॉर्मेट, जब भी आप सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्वेरी करोगे तब, ओके, दैट विल बी योर एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ क्वेरी, ओके। बट अभी आपको करना है पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट, करेक्ट। आप कैसे करोगे? तो देखो, सबसे पहले तो समझ लो कि मेरे को अगर सिंपल क्वेरी करना है तो मैं कैसे क्वेरी करूंगा। देखो, क्वेरी एडिटर में जाएंगे, यहाँ की क्वेरी सेव होती है क्या? नहीं, ये सिर्फ हम लोग टेम्परेरी रन करके देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अभी सिंपल मैं करूंगा, सिलेक्ट आईडी कॉमा, सिलेक्ट आईडी कॉमा, 1 मिनट मेरे को बस ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम ओपन कर देता हूं मैं, ताकि फटाफट फटाफट हमारा काम हो जाए। ओके, हाँ, अब देखो मेरे को कौन सी फील्ड चाहिए, होटल का मेल आईडी चाहिए, होटल का नेम चाहिए, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा सिलेक्ट होटल आईडी, होटल नेम, और एक आध फील्ड ले लेता हूँ, ज्यादा फील्ड नहीं लेता मैं अभी, ठीक है, यहाँ पे आप ले सकते हो। हो गया, फ्रॉम अभी होटल का एपीआई नेम क्या है, होटल अंडरस्कोर सी, लेकिन टाइप नहीं करना, हमारे हाथ से कभी कभी छोटी छोटी गलती हो जाती है जिससे एरर समझ में नहीं आता, तो बेटर है कॉपी पेस्ट कर लो, टाइप करोगे तो अभी चलेगा, बट करेक्ट टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये क्वेरी क्या करेगी, होटल ऑब्जेक्ट से आईडी, होटल का नेम एंड होटल का टाइप, ये तीन कॉलम्स का डेटा लेके आएगी, मतलब तीन फील्ड का डेटा लेके आएगी। देखो एग्जीक्यूट किया तो आ गया, राइट, बट मुझे हर रिकॉर्ड के अंदर उसके चाइल्ड रिकॉर्ड भी है ना, मतलब जिस जिस इसमें होंगे उसमें दिखेंगे, जिसमें नहीं होंगे उसमें नहीं दिखेंगे, ओके, जिसमें नहीं होंगे उसमें नहीं दिखेंगे। तो वो क्वेरी कैसे करेंगे, मतलब पेरेंट से चाइल्ड को कैसे कॉल करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन, राइट, जिसको बोलते हैं इनर क्वेरी, पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी। तो इसको करने के लिए देखो, ध्यान दो, आपको क्या करना होगा, देखो आपकी इसी क्वेरी, ये क्वेरी करेक्ट हो गई, अब इसको बाजू में रखो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको हम भूल जाएंगे, ओके। अब आपको कौन सा रिकॉर्ड लाना है,
होटल से उसके चाइल्ड रूम रूम ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड लाना है राइट। तो पहले अभी सेपरेट क्वेरी कर लो रूम के ऊपर, ठीक है। तो रूम के ऊपर क्वेरी कैसे करेंगे, सिलेक्ट आईडी कॉमा बेड टाइप बराबर, देन फ्लोर नंबर, देन ये देखो मैंने रूम ऑब्जेक्ट का भी एपीआई ओपन करके रखा है, ठीक है। और रूम व्यू कर लेता हूँ, ओके तीन ही फील्ड करता हूँ। फ्रॉम कहाँ से आएगा डेटा, ये रूम ऑब्जेक्ट के एपीआई नेम से, मतलब रूम ऑब्जेक्ट से आएगा। अब इसको रन करके देखोगे तो देखो एरर आएगा, आ गया एरर, क्यों? क्योंकि ये एट अ टाइम एक ही क्वेरी को कंसीडर करता है, करेक्ट। तो अभी हम ये ऊपर वाली क्वेरी को थोड़ी देर के लिए हमारे नोटपैड में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अभी देखो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना, बस तब तक के लिए ही ये सिनेरियो है, बाकी तो फिर आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ इजी वे की कैसे क्वेरी करते हैं। अभी सिंपल इस क्वेरी को रन करके देखो, क्या ये क्वेरी रन हो रही है, हो रही है करेक्ट। लेकिन ये क्या किसी पेरेंट के रिकॉर्ड ला रही है क्या? नहीं, ये रूम के अंदर जितने रिकॉर्ड है सब ला रही है। हमको अभी क्या करना है, पेरेंट के चाइल्ड कॉल करने, मतलब होटल के रूम में। अभी ये रूम्स कहाँ के आए हैं, जो अवेलेबल है वो सारे रूम है, लेकिन हमको सारे रूम चाहिए क्या? हमको पर्टिकुलर पेरेंट के पर्टिकुलर रूम्स ही चाहिए। अभी उतने रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं, हम लोग को बनाना पड़ेगा पे, ठीक है। बट अभी जब मैंने मतलब पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी, तो पेरेंट के ऊपर भी क्वेरी करना पड़ेगा, चाइल्ड के ऊपर भी। तो मैंने क्या किया, दोनों को सेपरेट सेपरेट क्वेरी कर लिया। दोनों क्वेरी रन हो रही है, पक्का रन हो रही है। चलो अभी क्या करेंगे, देखो इसको नीचे कर लेता हूं, और जो क्वेरी हमने बाहर रखी थी ना उसको फिर से अंदर लिख लेंगे। ये सिर्फ मैंने क्यों किया कि मेरे को टेस्ट करना था क्या मेरी क्वेरी वर्क कर रही है। तो यस, मेरी क्वेरी वर्क कर रही है, करेक्ट। अभी आपको क्या करना है, जब भी पेरेंट टू चाइल्ड जब भी करो, देखो जो आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर पहले क्वेरी कर लो, उसकी जो भी लास्ट फील्ड रहेगी, जो भी लास्ट फील्ड रहेगी उस पे आएगा, उसके बाद आएगा कॉमा, क्या आएगा कॉमा, देन ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। क्या आएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। फिर आप क्या करो, जो क्वेरी आपने रूम के ऊपर लगाई थी उसको उठाओ और उस ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कर दो। तो इसको बोलते हैं इनर क्वेरी, कब लगाई हमने, लास्ट फील्ड के बाद कॉमा देके, गॉट इट। अब इसको रन करेंगे, देखो रन हुई क्या, नहीं हुई। इसका रीजन बताता हूं मैं आपको, देखो क्या हुआ। सबसे पहले उसने देखा, इनर क्वेरी को रन किया, तो ये जो रूम है ये उसको नहीं मिला, क्यों? क्योंकि पेरेंट से चाइल्ड आप जब भी कॉल करोगे, पेरेंट से चाइल्ड आप जब भी कॉल करोगे तब उसका एपीआई नेम नहीं देना पड़ता, उसका देना पड़ता है चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, बराबर। तो हम हमेशा रिलेशनशिप वाली फील्ड कौन से ऑब्जेक्ट पे बनाते हैं, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे, राइट। तो इधर जाएंगे रूम ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, नीचे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखो कौन सी फील्ड है जो मास्टर इसके साथ कनेक्ट है, होटल आईडी, राइट। तो होटल आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे, देन होटल आईडी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको देखो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम दिख रहा है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चाइल्ड बनाते हैं, तो वहां पे हमको चाइल्ड रिलेशनशिप नेम पूछता है। चाइल्ड कब बनता है ऑब्जेक्ट, जब रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये मास्टर डिटेल की फील्ड बनाई होगी, तब मेरे को ये चाइल्ड रिलेशनशिप नेम के लिए उसने पूछा है। ये नाम आप चेंज भी कर सकते हो उस समय, ठीक है। तो अब ये रूम्स को मैं यहां से उठाता हूं और इसको यहां पे पेस्ट करता हूं, ठीक है। अब कर लिया, अब रन करके देखो, हुआ नहीं हुआ, अब और एरर आया। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो चाइल्ड से, सॉरी पेरेंट से चाइल्ड कॉल कर रहे हैं, तो ये जो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम है इसको आपको लगाना पड़ेगा, रिलेशनशिप है बताना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर लगेगा। क्या लगेगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर। अभी एग्जीक्यूट करो, हो गया वर्क। तो देखो अभी ये पहले दो तीन रिकॉर्ड के ही चाइल्ड रिकॉर्ड अवेलेबल है इसलिए दिखा है, बाकी सबके लिए चाइल्ड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है इसलिए नहीं दिखा है,
गॉट इट, समझ में आ गया है? ये अंडर, देखो बहुत लोगों को इसी में कंफ्यूजन जाता है, सब क्वेरी बराबर कर लेते लेकिन यहाँ पे गड़बड़ करते। यहाँ पे आपको क्या करना है, चाइल्ड रिलेशनशिप नेम को अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर लगाना, समझ में आ गया पक्का? ओके तो अभी देखो, जैसे आकाश होटल वन है तो इसके रूम के रिकॉर्ड ये है, ठीक है? इसको अगर आप ओपन करोगे सारे रिकॉर्ड भी यहाँ पे दिखाएगा नहीं, ठीक है, बट अभी इसमें सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं। ओके तो थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर देखते हैं, बट वो पूरा का पूरा नहीं दिखाएगा वहां पे। जब आप एपेक्स के थ्रू करोगे ना डेटा, तो आपको सारा का सारा डेटा शो कर देगा, ठीक है? तो वो हम हमारे नेक्स्ट क्लासेस में देखने वाले हैं। ये देखो, बेड टाइप, फ्लोर नंबर, रूम व्यू, यही तीन मैंने फील्ड कॉल किए थे, बेड टाइप, फ्लोर नंबर, रूम व्यू, राइट? जिसमें वैल्यू नहीं है वो नल दिखाएगा, जिसमें है वो वैल्यू दिखाएगा, समझ में आ गया? तो ये हो गई कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर पेरेंट टू चाइल्ड की क्वेरी, ठीक है? पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी ऑन योर कस्टम ऑब्जेक्ट। अब अगर सेम क्वेरी मेरे को स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेम चीज करो। कैसे करेंगे देखो, जैसे मेरे को अकाउंट एंड कॉन्टेक्ट पे करनी है, तो कॉन्टेक्ट क्या है, अकाउंट ऑब्जेक्ट का चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, राइट? तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा इंडस्ट्री, मैं दो तीन ही फील्ड ले लेता हूं, फ्रॉम अकाउंट, ओके? ये क्वेरी वर्क कर गई, करेक्ट क्वेरी है। अब कॉन्टेक्ट के ऊपर एक क्वेरी कर लेंगे, सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम, ठीक है, कॉमा बस इतना ही करते, ठीक है, फ्रॉम कॉन्टैक्ट। अब ये इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, बाद में पेस्ट करूंगा, ठीक है? अभी जस्ट मैं चेक कर रहा हूं, एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो मेरी कॉन्टैक्ट की क्वेरी भी रन हो गई, मतलब दोनों की दोनों क्वेरी करेक्ट है, बराबर। तो अगर कल चल के एरर आता तो मेरे को श्योर तो होगा कि नहीं मेरी क्वेरी करेक्ट है, मेरे फॉर्मेट में ही कुछ गलत हुआ होगा, राइट? तो आप क्या करेंगे, अभी पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बराबर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो लास्ट फील्ड है इसके बाद कॉमा देंगे, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट देंगे और इसके अंदर ये पेस्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर आया। क्यों? क्योंकि इसका जो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम रहता है वो होता है कॉन्टैक्ट्स, इसमें एस लगाते हैं, ठीक है? अब एग्जीक्यूट करेंगे, हो गया एग्जीक्यूट, बट क्या यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर लगाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो यही डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड एंड कस्टम में, कि जब आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की ऊपर पैरेंट टू चाइल्ड लगाओगे तब आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर लगाने की जरूरत नहीं है, किसको, चाइल्ड रिलेशनशिप नेम को, बट कस्टम ऑब्जेक्ट में लगाने की जरूरत है, समझा? इस तरीके से होगी आपकी पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी, ओके? उसके बाद आपको जो भी फिल्टर्स लगाने, जैसे वेयर क्लॉज जो हमने कल लगाया, ठीक है, लास्ट क्लास में, तो वो कैसे लगाओगे, बस इसके फ्रॉम के बाद, फ्रॉम वेयर नेम इक्वल्स टू दिस दिस, एज इक्वल्स टू दिस, लेस देन दिस, ग्रेटर देन दिस, लाइकवाइज, ठीक है? तो वो सारा हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आएगा बाद में। ठीक है, तो ये समझ गया आपको, तो ये होता है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर पेरेंट टू चाइल्ड एंड चाइल्ड टू पेरेंट की क्वेरी करना, सॉरी सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड की क्वेरी करना स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर, ओके? आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा, ओके? अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग चाइल्ड से पेरेंट कॉल करेंगे, चाइल्ड से पेरेंट। अभी देखो, पेरेंट से चाइल्ड कॉल कर लिया, मतलब फादर ने बता दिया कि एक दो तीन मेरे बेटे हैं, बराबर, फादर ने बोल दिया कि एक दो तीन मेरे बेटे हैं। अभी बेटा बोलेगा कि ही इज माई फादर, ओके?
तो तीन बेटे हैं तो तीनों फादर, तीनों बेटे एक फादर को पॉइंट करेंगे, मतलब चाइल्ड पेरेंट को पॉइंट करेगा, समझे? क्योंकि एक एक फादर के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, बट एक चाइल्ड का एक ही फादर होगा, करेक्ट? ऐसे तो अभी देखो कैसे करेंगे क्वेरी। ये ऐसे मल्टीपल टैब्स अगर ओपन रहे तो आप इसको क्लोज कर दिया करो, ठीक है? इससे फिर क्या होता है, बहुत कचरा जमा हो जाता है। ओके, अब क्या करेंगे, सेम टेक्निक यूज करेंगे पेरेंट टू चाइल्ड के लिए। पहले नॉर्मल क्वेरी कर लेंगे। अभी मेरे पास नॉर्मल क्वेरी यहाँ पे लिख के है, ठीक है, इसी को, ठीक है, ये एक नॉर्मल क्वेरी मेरे पास लिख के है। अरे सॉरी, रूम के ऊपर लगाना पड़ेगा, चाइल्ड के ऊपर पहले क्वेरी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरे पास ये चाइल्ड की क्वेरी है, ओके, सिलेक्ट आईडी, बेड टाइप, फ्लोर नंबर, रूम व्यू फ्रॉम। अभी यहाँ पे देखो अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर, अभी यहां से निकाल देता हूं मैं, ठीक है? यहाँ पे मैं सिंपल इसी का एपीआई नेम लिखता हूं, ठीक है? एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, आ गए। अब मुझको क्या करना है, मुझे एक पेरेंट कॉल करना है। तो देखो अगर हम रूम ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो रूम ऑब्जेक्ट के अंदर से देखो हमने पेरेंट को लिंक किया है होटल आईडी नाम की फील्ड के साथ, बराबर। तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे घर में अगर मुझे जाना है, तुम्हारे घर में अगर मैं मुझे जाना है और मैं तुम्हारे घर के किसी को नहीं पहचानता, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है तुम्हारे घर में घुसने का? नहीं, क्या ऑप्शन है? देखो मैं क्या करूंगा, तुमसे दोस्ती कर लूंगा, तुमसे दोस्ती कर लूंगा और तुम्हारे थ्रू तुम्हारे घर में जाऊंगा, समझ रहे हैं? वो डीडीएलजे देखा क्या तुम लोगों ने, है ना? तो वो कैसे घुसता है हीरोइन के घर में, बस उसी केस में, ठीक है? तो अभी अपने को क्या करना है, एक लिंक पकड़ना है जिसके ऊपर से जंप करके हम लोग पेरेंट पे पहुंचेंगे, समझ रहे हैं? तो अभी हम रूम ऑब्जेक्ट में है, रूम ऑब्जेक्ट से उसके पेरेंट में जाना है, तो मुझे बताओ ये पूरे के पूरे रूम ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसी कौन सी फील्ड है जो आपको पेरेंट में लेके जा सकती है? ये वाली होटल आईडी वाली, करेक्ट, बराबर। तो चलो अपने रूम ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट व्यू में जाएंगे, यहाँ पे देखो यही वो फील्ड है, करेक्ट, यही फील्ड है। चाइल्ड रिलेशनशिप नेम के लिए हमने क्या किया था, इस फील्ड को ओपन किया था और उसके अंदर से चाइल्ड रिलेशनशिप नेम निकाल लिया था, बट अभी यहाँ पे चाइल्ड रिलेशनशिप नेम की जरूरत नहीं है, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी एपीआई नेम की। तो इसका एपीआई नेम कॉपी करेंगे, ठीक है? और आप चाहो तो फिर इसको इधर भी कर सकते हो, किसी भी फील्ड के बाद कर सकते हो, ठीक है? मैं लास्ट में ही कर लेता हूँ, कॉमा देके यहाँ पे लिख दिया ऐसे डॉट डॉट। अब मुझको रूम के उस पर्टिकुलर रूम के अंदर, जैसे इस रूम ये 0935 के साथ ये कनेक्टेड है, बराबर। तो अभी मुझे 0935 का शायद देख लो कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे सपोज करो होटल का एड्रेस चाहिए, होटल की वेबसाइट चाहिए, नंबर ऑफ स्टाफ अवेलेबल कितने वो देखने, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर फील्ड का एपीआई नेम ले लूंगा, मैं यहाँ पे से लिख दूंगा होटल एड्रेस कॉमा, फिर से ये ले लूंगा इधर ऐसे, फिर डॉट दूंगा, फिर यहां से ले लूंगा होटल का नंबर ऑफ स्टाफ अवेलेबल, ठीक है? जितनी फील्ड आपको लेनी है आप कॉमा सेपरेट करके ले लो, ठीक है? अब रन करो, देखो क्या आता है, आ गया एरर। क्यों? क्योंकि आप चाइल्ड से पेरेंट के ऊपर जा रहे हो तो आपको रिलेशन है ये बताना पड़ेगा, बराबर। तो रिलेशन है बताने के लिए ये जो फील्ड है यहाँ पे, अभी यहाँ पे कर लेंगे हम लोग आर, ठीक है, एपीआई नेम के बाजू में, समझ रहे हैं कहाँ पे किया? नाउ एग्जीक्यूट, फिर से एरर आया, गलत हुआ,
एक सेकेंड ओके ठीक है, तो हमने गलत जगह पे आर कर लिया था। ओके हमको कहां पे करना था आर, जो हमारी चाइल्ड की फील्ड है ना ये वाली, इसका बस सी निकाल के यहाँ पे आर करना था और उधर के फील्ड एज इट इज रखनी थी। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी होती रहेगी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ध्यान से काम करना। ठीक है, देखो आ गया, अभी क्या है, ये रूम ऑब्जेक्ट है, रूम ऑब्जेक्ट की फील्ड है आईडी, बेड, फ्लोर नंबर और रूम व्यू, और इसके पेरेंट क्या है, होटल आईडी, तो उसके देखो वर्धा महाराष्ट्र और ये जीरो, करेक्ट। ये आप चाहो तो टैली कर सकते हो, देखो इस आईडी को ओपन कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट करो, किसी भी रूम के रिकॉर्ड में जाएंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। हाँ ये देखो 0934 बराबर, इस चाइल्ड का ये पेरेंट है, ये पेरेंट के अंदर जाएंगे और चेक करेंगे क्या जो वैल्यू आ रही है वो करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टाफ जीरो है, होटल एड्रेस वर्धा महाराष्ट्र है, देखो यहाँ पे होटल नंबर ऑफ स्टाफ जीरो और होटल एड्रेस वर्धा महाराष्ट्र, सेम वैसे आपको बाकी के भी चेक करने हैं, समझे। तो ये हो गई आपकी चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी। और अगर आपको कुछ फिल्टर लगाना है तो जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर, सारे फिल्टर जो लगेंगे वो आपके ऑब्जेक्ट के एपीआई नेम के बाद ही लगेंगे, इसलिए मैंने अभी दो एग्जांपल में बताया ना। ठीक है, वेयर वेयर जैसे मैं बोल दूँ कि आपका बेड टाइप जो है यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ सिंगल बेड वाले रिकॉर्ड दिखाएंगे, बेड टाइप इज इक्वल टू सिंगल बेड, आ गया। बस इसी तरीके से आपको क्वेरी करने, ग्रुप बाय लगाना है, ऑर्डर बाय लगाना है, वो सारा आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, उसको भी हम अलग तरीके से समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, ओके नाउ अभी ये तो हो गई कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर, पेरेंट चाइल्ड के ऊपर करनी है तो कैसे करोगे, सॉरी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर करनी है तो कैसे करोगे, सबसे पहले चाइल्ड को कॉल कर लेंगे, चेक कर लेंगे, सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट उसका ओरिजिनल नाम कॉन्टैक्ट है। ठीक है, आ गया। अब इसके अगर मेरे को पेरेंट कॉल करने हैं तो यहां से जाएंगे, कॉमा देंगे, राइट, कॉमा देंगे। अब एक बार चलो उधर अकाउंट कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट का पेज ओपन कर लेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर देखो कौन सी फील्ड है जिसने अकाउंट के साथ कनेक्ट किया है, ये वाली बराबर, यही है, इसको एक बार ओपन करो, देखो इसका चाइल्ड रिलेशनशिप नेम मिल गया आपको, यही था जो हमने कॉन्टैक्ट यूज किया था। ठीक है, अभी हमको चाइल्ड रिलेशनशिप नेम का काम है क्या, नहीं, अभी आपको किसका काम है, ये एपीआई नेम का, करेक्ट, फील्ड नेम मतलब ही एपीआई नेम होता है। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, कस्टम ऑब्जेक्ट में उसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी लगता है, यहाँ पे नहीं लगता है। ठीक है, फील्ड नेम से ही एपीआई नेम बनता है। तो अभी हम लिख लेंगे यहाँ पे अकाउंट बराबर, अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर देना पड़ेगा क्या यहाँ पे, नहीं देना पड़ेगा, अकाउंट डॉट, अब मुझे इस कॉन्टैक्ट के अंदर से पर्टिकुलर अकाउंट का रिकॉर्ड चाहिए, तो कैसे करेंगे, देखो ये कॉन्टैक्ट है, इसके अंदर ये यूनाइटेड ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन वाला क्या है, अकाउंट है बराबर, अब मुझे इसकी फील्ड चाहिए,
तो आप चाहो तो इसकी भी ऑब्जेक्ट एपीआई नेम से इसकी फील्ड का नेम ले लो, या फिर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में जो नाम यहाँ पे दिख रहे होते ना वही उसके एपीआई नेम होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में ये इजी चीज होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से दो चार फील्ड उठा लेता हूँ, जैसे अकाउंट डॉट रेटिंग बराबर, अकाउंट डॉट फैक्स, ठीक है, कॉमा अकाउंट डॉट इंडस्ट्री, ओके, एग्जीक्यूट करो, आ गया, समझा ना। पेरेंट टू चाइल्ड जाओगे तो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम लेना है, चाइल्ड टू पेरेंट जाओगे तो उस फील्ड का एपीआई नेम लेना है, ठीक है। कस्टम ऑब्जेक्ट में अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर लगाना है, स्टैंडर्ड में नहीं लगाना है, ठीक है। एक बार अच्छे से इस पूरे रिकॉर्डिंग, इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लेना और तभी प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक आपका एपेक्स है तब तक क्वेरी रहेगा, ठीक है। तो क्वेरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेरी को सीरियसली लो, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, उसके बाद ग्रुप बाय के अंदर जो एग्रीगेट फंक्शन यूज होते हैं उसको कैसे यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके असाइनमेंट्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ गया होगा।